हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ESTR। सो आज हम लोग आए हैं वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में, जहाँ ये आउटलेट का नाम है द बर्गर हाउस। तो यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा, उसका एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि यहाँ के जो शेफ है वो है वुमेन शेफ। ठीक है, आपने बहुत जगह देखा रहेगा कि मेल शेफ्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पे वुमेन शेफ है और ये हस्बैंड है फिरोज खान करके, जो इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो जो जितना भी आउटलेट है, इन लोग यहाँ पे जो काम करते हैं, जितने भी लोग, सब फैमिली मेम्बर्स हैं। उनकी लड़की है, उनके साथ पे जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं वो उनके साथ काम करते हैं यहाँ पे। तो लोग सब मिलके यहाँ पे एक साथ पूरा आउटलेट चला रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, फाइनली आपको मैंने बाकी सब चीज़ें बताया हूँ। तो अब हम जाते हैं डिश की ओर। तो ये इधर की डिशेज़ है जो मैंने सब में से एक 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 वेराइटी ली है। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन खा के बताता हूँ यहाँ का टेस्ट और इसका नाम क्या है। हम लोग ट्राई करें यहाँ का बेस्ट जिंगर बर्गर, चिकन जिंगर बर्गर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो चिकन कितना है, क्या वेराइटी है इसकी, चीज़ है, इन लोग का अलग अपना सॉस होता है, वो सब है। सो हम ये टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है। बिग बाइट जैसे कि बर्गर हाउस। इसका जो टेस्ट है काफी बढ़िया टेस्ट है। एक चीज और बता दूं इसमें आपको, वो जो चीज है, जो सॉस है, अभी तक मैंने खाया तो मुझे पहले मायो का नॉर्मल टेस्ट आया, धीरे धीरे स्पाइसी लगना चालू हो रहा है। तो यही इसके मायो का और इसका जो अंदर का सॉस का टेस्ट है, वो यही है कि आपको जो इसका टेस्ट मिलेगा बहुत ही अलग बर्गर दिखेगा। आपने मोस्टली तो ऐसा खाया नहीं रहेगा। देखो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खा रहा हूँ, मैंने तो ऐसा खाया नहीं हूँ अभी तक इधर भी। आप देख सकते हो, उसको आपको दिखा चुका हूँ मैंने कि कितना ज़्यादा अंदर चिकन है। तो आपको ये एक में ही मेरे हिसाब से तो पेट भर जाएगा, इतना इतना हैवी और इतना बेस्ट बर्गर है ये जिंगर बर्गर, यहाँ का द बर्गर और जिंगर बर्गर, याद रखना है मेरी बात। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा, इसके आप देख सकते हो, ये है इनका पिज़्ज़ा। तो हम ये टेस्ट करते हो डायरेक्ट बताते। इसका भी टेस्ट बहुत यूनिक है। बहुत जगह पिज़्ज़ा ऐसा ही मिलता है कि किसी को अपने हिसाब से टेस्ट चाहिए रहता है वैसा मिलता है, किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ ही मिलता है। इनके यहाँ पे हर चीज़ बैलेंस्ड है, चीज़ बैलेंस, टेस्ट बैलेंस, जो अंदर सॉस यूज हुआ है वो बैलेंस। तो जो भी चीज़ें पिज़्ज़ा में डाली गई है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जो चिकन है आप अगर खाओगे ना आप बोलोगे भाई बहुत नरम है। तो बारबेक्यू के हिसाब से अगर मेरे को खाना है तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूँ, ये बेस्ट है यहाँ का। सो गाइस, अब हम लेते हैं नेक्स्ट डिश। ये है राइस, ओ फोक नीचे अटक गई। सो ये है यहाँ की पेरी पेरी चीज़ी फ्राइज। तो हम ये ट्राई करेंगे, देख सकते हो इसमें तो मायो है, पेरी पेरी का मसाला है, पेरी पेरी सॉस है। तो जो नाम है उस हिसाब से ये परफेक्ट, अब टेस्ट में है कि नहीं वो मैं बताता हूँ। जो पेरी पेरी लवर है इसको चीज़ के साथ पेरी पेरी एकदम मज़ा आता है मसाला मार के, फिर डेफिनेटली फ्राइज में ये ट्राई कर सकता है। डिश की और वो है स्ट्रिप्स। हाँ, तो ये है इनकी स्ट्रिप्स, आप देख सकते हो कितनी बड़ी यहाँ की स्ट्रिप्स है। बहुत कम आपको इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स मिलेगी और इसके ऊपर जो मसाला है मायो साथ में देते, सॉस देते, तो ये सब चीज़ें स्ट्रिप्स में बहुत मज़ा आती है। और स्ट्रिप्स जितनी गर्म हो, जितनी हॉट एकदम आवे सा निकल के ऑयल से, तो बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग अभी पहले ये ट्राई करेंगे, ये मैं एकदम कर करा रही।
देख सकते हो इसमें तो आटा भी यूज़ नहीं किया है, बहुत कम है इसके हिसाब से चिकन दिख रही है। सुनिए पहले ट्राई करते हैं। भाई क्या ही तारीफ करूँ भाई, स्ट्रिप्स बहुत मस्त लगी है मेरे को। स्ट्रिप्स जो इसमें जो क्रंची जो होता है बहुत मस्त है। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्रंच दे दिया, सिर्फ आटा ही दे दिया। सुनिए अब देख सकते हो चिकन ज़्यादा आपको मिलेगा, क्रंच कम। तो ये भी यहाँ की बहुत अच्छी डिश है। ये है यहाँ का लॉलीपॉप, ठीक है, और ये जो है यहाँ का सेज़वान। तो हम टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा है। आपने जो नॉर्मल लॉलीपॉप खाया है बाहर सेज़वान में लगा के आप खाए होंगे, पर टेस्ट कैसा रहता है भाई? एकदम ही डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम क्रिस्पी लॉलीपॉप होता ना वो खा रहे हो, एकदम ही ज़्यादा क्रिस्प। और लॉलीपॉप में एकदम ना भी आटा नहीं एकदम भर भर के, कम है, परफेक्ट है। सेज़वान थोड़ा स्पाइसी है, आप जितना बाइट में जितना लेना चाहते हो उतना ही लेना, एक्स्ट्रा मत लेना, ज़्यादा स्पाइसी है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। टेस्ट करते हैं। ये रैप एकदम इंडियन टेस्ट है, एकदम हल्का, आपको थोड़ा सा मीठा लगे आप क्योंकि टमाटर होता है इसमें, थोड़ा अलग टाइप का सॉस होता है। और इसका जो अंदर चिकन है आपको हर बाइट में ऐसा लगेगा हाँ चिकन आ रहा है, तो आपको मज़ा आएगा। तो ये रैप भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे मोस्ट ऑफ सब मैंने डिशेज ट्राई किए, बहुत बहुत ही अच्छी है। अब मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ और एंड देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे और मेरे दोस्तों को ये कैसी लगी, ठीक है। सो गाइस आप लोग ने यहाँ का जो भी आपको बताया वो सब ट्राई कर लिया है, तो आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ का जो टेस्ट है वो एक नेक्स्ट लेवल टेस्ट है। सो दूसरी बात आपको एक और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ और थी जो मैंने आपको दिखाया नहीं, जो बहुत जल्दी चालू होने वाली है, वो है चना। आपने बहुत जगह ये चना खाया रहेगा, लहसुन और चना जो आता है उसके साथ एक चटनी आती है, तो आपने बहुत भिवंडी ढाबा वाबा गए रहेगा आप, तो आपने ट्राई किया रहेगा। तो ये भी वो चीज़ चालू करने वाले बहुत जल्द, और एक चीज़ चालू करने वाले जिसका नाम है पिज़्ज़ा ग्रेवी, ग्रेवी वाला, तो जो जिसमें वो पूरा एक ग्रेवी के स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाएंगे, जो ये कहीं नहीं मिलता है, एकदम वेराइटीज़ में बहुत अलग ही है ये लोग। तो ये सब चीज़ें चालू करने वाले घर का और बाहर का दोनों मिक्स करके वुमेन शेफ एक कुछ नया लाने वाले इसमें, तो वो भी आप जल्दी जल्द आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये बजट फ्रेंडली भी है, आपको कोई भी डिशेज आप देखोगे ना तो इसका जो प्राइस है आप बाहर से कंपेयर करोगे, टेस्ट आप बाहर से कंपेयर करोगे, कोई भी बड़ा आप आउटलेट ले लो आपको ऐसा टेस्ट ऐसा फ्रेंडली बजट नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ। और ये मेरी गारंटी है कि भाई यहाँ का जो टेस्ट है ना माँ कसम भाई बहुत मस्त है, ठीक है। तो वो तो मैंने टेस्ट कर लिया, आपको बता चुका हूँ कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का टेस्ट। सो जो मेरा फेवरेट आपको बता दूँ यहाँ का, वो है चिकन जिंगर बर्गर, जो आपने देखा कितना बड़ा था, वो यहाँ का बेस्ट सेलर है, मैं आपको बता दूँ ये बात। दूसरी चीज़ यहाँ पे और भी वेराइटीज़ है, जैसे आप देख सकते हो हॉट विंग्स है यहाँ पे जस्ट चिकन के अंदर, फिर स्ट्रिप जैसे मैंने लिया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे फिश में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, जैसे चिकन फिश बर्गर है, फिर फिश क्रिस्पी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी आप वो टेस्ट कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। वेज में भी यहाँ पे वेराइटीज़ है, तो आप वेज भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे आपको तीन चीज़ यहाँ पे मिल गई, सी फूड, नॉन वेज और वेज, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ का जो ब्रांड है वो कोई भी बाहर से कंपेयर कर लो नहीं मिलेगा वैसा ब्रांड आपको। आप डिलीवरी के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कहीं भी ये ऑर्डर मंगा सकते हो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर्स के अंदर आपको फ्री मिल जाएगा, उसके बाद जो भी है वो आप डायरेक्टली आउटलेट से बात करके करवा सकते हो।
सो गाइस मैं आपको यहाँ पे मिलाना चाहूंगा द बर्गर हाउस के ओनर्स को, जो पूरी टीम ये है, पूरी टीम यहाँ की ये है अपने फिरोज खान, और ये है उनकी वाइफ समीरा खान जो यहाँ की शेफ है, और वो भी यहाँ के शेफ है, और ये पूरा एक फैमिली है। तो थैंक यू सो मच, मैं आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने हमको वीडियो बनाने दिया, बहुत अच्छे से वीडियो बनाने मिला है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे आपके व्यूवर्स को? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये मेरी वाइफ का एक सपना था कि वो कुछ करे खुद पे, तो हमने उसकी बहुत हेल्प की, और मेरी डॉटर उसकी फ्रेंड नसीम ने भी बहुत हेल्प की, तो आज हम यहाँ आए, और हम चाहते हैं कि आप हमारे अच्छे टेस्टी फूड को एंजॉय करें, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे आउटलेट पे आए और फूड एंजॉय करें, और होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, और हम लोग स्विगी और जोमेटो में भी जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो यहाँ पे हमारा होता है वीडियो ख़त्म। जो भी अगर आप कोई दूसरा वीडियो चाहते हो या ये वीडियो चाहते हो, अगर आप आगे फैमिली में आना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के लिए दूसरे वीडियोस के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।